हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब गेमिंग चैनल सुगर गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5 और ये हम आ गए हैं अपने बंकर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना धमाकेदार गेमिंग वीडियो। और ये आ गए हैं अपने बंकर में। ये दो लोग पता नहीं खड़े खड़े सारा दिन क्या करते रहते हैं, शायद चना खाते रहते हैं। और ये अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की तरफ जो हमें बताएगा कि कैसे हमें और सप्लाईज लानी है और कैसे हमें ये स्टॉक सेल करना है। चलिए बैठते हैं। पहले हमें अब CEO रजिस्टर करना पड़ेगा, तो CEO रजिस्टर कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ डॉन बेबी और सबसे पहले हम ये सप्लाई ख़रीद लेते हैं। और ये हमने सप्लाईज ख़रीद लिया, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब हम सेल करते हैं। ये सेल करते हैं उस जगह जहां हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा हो। और ये हमने डिलीवरी प्रोसेस चालू कर दिया। देखते हैं हमें कौन सी गाड़ी मिलती है। ये गेम लोड होने में थोड़ा वक्त लगा रहा है। GTA में सबसे इम्पोर्टेंट है बंकर डिलीवरी में कि GTA हमें कौन सी गाड़ी देती है। अगर वो गाड़ी अच्छी हुई तो हम ये डिलीवरी काफ़ी जल्दी और समय के अंदर करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। You think law enforcement realize when they're working in direct opposition to the nation's interests? Well, they might figure it out when you're knocking them out the way in a modified big rig. Take the truck to the buyers on the route we give you and pay as little attention to those numbskulls as you can. इसके सामने में निडल जैसा थार है और ये किसी भी गाड़ी को पलट सकती है, अपने सामने आने वाले किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। चलिए देखते हैं इसके थ्रू कैसे हम डिलीवरी करते हैं। अभी रात का समय है, रात के समय ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस गाड़ी से थोड़ा सा ही लगते ही बाकी गाड़ियां उछल जाती हैं, उछल करके रोड से बाहर निकल जाती हैं। और ये हमारे ऊपर लग चुका है 3 स्टार। और जब तक ये गाड़ी हमारे हाथ में है फैंटम वेज, हमें पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाले आएंगे और ऐसी उनकी गाड़ियाँ उड़ जाएंगी। हमें बस रुकना नहीं है। और टाइम जो है 15 मिनट का टाइम दिया जाता है इस डिलीवरी के लिए। उस टाइम लिमिट के अंदर हमें ये गाड़ी उस जगह पर पहुँचा देनी है जहाँ से ये आगे जाए और हमें अपना पैसा मिल जाए। अभी तक का ड्राइव काफ़ी स्मूथ है। शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बीच बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग्स है, उनसे चिंता करना नहीं है। इस गाड़ी के धारदार नोक के सामने लगते ही उनकी गाड़ियाँ उछल जाती हैं। पुलिस हमें बार बार रोकने की कोशिश करेगी पर हमें रुकना नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। इस गाड़ी के साथ प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी बहुत बड़ी है और अगर एक बार गाड़ी आप सही से मोड़ नहीं पाते हैं और ये गाड़ी ट्रेलर के साथ डिटैच हो जाती है तो फिर उसको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि पुलिस आपको चारों तरफ से घेर लेगी और आपके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग होने लगेगी। उस कंडीशन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि गाड़ी को आप बैक करके वापस ट्रेलर के साथ मोड़ें और टाइम से इस डिलीवरी को अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा दें। चलिए अभी तक सारी चीज़ें ठीक से हो रही हैं और ये पूरी तरह से भरा हुआ सेशन है। अगर कोई प्लेयर आ करके हम पे हमला करता है तो हमारी सारी डिलीवरी और मेहनत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ प्लेयर्स पर नज़र रखते हुए अपना काम करते रहना है। रात का समय दिन होने वाला है इसलिए रास्ते में ट्रैफिक काफ़ी कम। यहाँ से आगे जाने पर पतली पतली फ्लाईओवर्स आएंगी जिनको इन रास्तों पर चलाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि गाड़ी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत सावधानी से इस गाड़ी को चलाना होता है।
इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस नाक के बराबर है, इसकी नाक कहीं भी फंस सकती है। अगर इसकी नाक फंसती है तो फिर गाड़ी को बैक करके वापस रास्ते पे लाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। कॉर्नर्स के तीखे मोड़ पर आपको बहुत ही ध्यान से ड्राइव करना है। मैप पे दिखने वाला ये पीला लाइन आपको बताता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, और ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो गए हैं। अगर फ्लाईओवर्स का रास्ता मिस होता है तो फिर वापस हमको गाड़ी को घुमा करके लाना होता है, जो इस खेल को और मुश्किल बना देता है क्योंकि आपके पास समय काफ़ी सीमित है। चलिए, अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा है। हम बढ़ते हैं, बायां मोड़ लेते हैं। इसके बाद मैप में दिखाई जैसा दे रहा है कि रास्ता थोड़ा सीधा है। थोड़ा सा रिलीफ के साथ हम गाड़ी को आगे चला सकते हैं, पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि जैसा मैंने बताया, इस गाड़ी में कोई ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है और थोड़ा सा भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आपके गाड़ी को पलट सकता है या डिटैच कर सकता है। तब जो हेलीकॉप्टर्स और पुलिस आपके पीछे लगी हुई है वो चारों तरफ से आपको घेर लेंगी, और आप जब बैक करके उस ट्रेलर को अटैच करना चाहेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे और समय की बर्बादी होगी। हो सकता है उस समय कोई दूसरा प्लेयर आकर के आपके ऊपर हमला कर दे या सरप्राइज को डिस्ट्रॉय कर दे, उसके बदले में उसको पॉइंट और पैसा मिलेगा, एक्सपी भी मिलेगा। इसीलिए आपको प्लेयर से भी बचना है और गाड़ी को भी धीरे धीरे पीछे मोड़ों से काटते हुए अपने डेस्टिनेशन पर ले करके जाना है। हमारा डेस्टिनेशन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। चलते हैं, इसी रास्ते में पुलिस लगातार हमारा पीछा कर रही है। काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखिए, वो धुआं दिखाई दे रहा है, उस वही धुआं में हमको अपना गाड़ी ले जा कर के पार्क करना है, जिससे ये आगे अपने अगले डेस्टिनेशन पे ये गाड़ी चली जाए और हमारा मिशन अकम्प्लिश हो जाए। फ्लाईओवर ले लेता हूँ, नीचे वाला रास्ता हमको लेना था बट आई मिस डैट। कोई बात नहीं, इसी रास्ते पर चलता हूँ क्योंकि गाड़ी को मोड़ना पॉसिबल नहीं जैसे मैंने बताया। यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि मुझे पता है आगे यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है और यहाँ कुछ प्लेयर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि मैं डिलीवरी ना कर पाऊँ और मेरा पॉइंट्स उन्हें मिल जाए। जैसा कि देख पा रहा हूँ कि प्लेयर्स बहुत सामने आ चुके हैं, और यार मुझे अपना काम करना है। अभी भी काफ़ी सारा वक्त बचा हुआ है, 9 मिनट का वक्त अभी भी मेरे पास है। धीरे धीरे चलाता हूँ, काफ़ी तीखे मोड़ हैं। किसी ने गोली चलाया, मैं जानता था ये प्लेयर को ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर क्रिएट करेंगे, पर कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं धीरे धीरे गाड़ी को ले जा करके डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। काफ़ी संकरी और पतले रास्ते हैं और ये धुआं मुझे नज़र आ रहा है जहाँ मुझे डिलीवरी करनी है। मैं धीरे से मोड़ते हुए गाड़ी को, काफ़ी पतला रास्ता है, गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा, और ये हम पहुँच गए। ये हमने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया अपने कंसाइनमेंट को, और ये हेलीकॉप्टर आ करके उसे हुक करके ले जाएगा और हमें हमारा पैसा मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे वीडियो को, इससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो और गेम प्ले लाते रहें। धन्यवाद।